भी निकले हैं बस स्टैंड के लिए, बस स्टॉप पे जा रहे हैं। नाइट हो गई है अभी, 8 o'clock हो गया कि हाफ एन आवर बाकी है अभी। जाके सीधा बस स्टैंड पे जाकर रुकते हैं अभी। 8:30 को 8:45 को बोला आने का, हाफ एन आवर पहले निकला है। चलते चलते हो जाएगा, बस तब मिलते बस स्टैंड पे। बस स्टॉप पे खड़े हैं, अभी तक बस आई नहीं है, वेट कर रहे हैं। पीछे स्टेशन है, खड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं कब आएगी। एक हाफ एन आवर हो गया यहाँ पे आके, आएगी कब पता नहीं। वो बोल रहे हैं 10 मिनट बोल रहे हैं। 10 मिनट तो क्या, हाफ एन आवर हो गया है अभी आई नहीं है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, पूछते हैं क्या बोलते हैं। गाइस तो अभी रेडी होके रेलवे स्टेशन पर आए थे, बैठे हैं क्योंकि घर का मतलब नए डिचार्ज था पूरा बैटरी। इधर आके पता चला वो बैटरी, फिर इधर आके डाल दिया। अब बैठे हैं, ट्रेन आने वाली है 10 मिनट में, फिर ट्रेन में चढ़ते हैं सीधा मथुरा जाएंगे। इधर से मथुरा जाके थोड़ी देर घूमेंगे, उधर थोड़ा घूमने के बाद फिर वृंदावन जाएंगे। मैं यहाँ पे आ गया था कुछ 8:30 को यहाँ पे उतार दिया था मॉर्निंग में। ये मेरा दोस्त है, इसके घर पे गए थे सीधा। वहाँ पे रेडी वेडी होके फिर सीधा रेलवे स्टेशन पे आए, और बैठे हैं। ट्रेन अभी तक आई नहीं है, आने वाली है, टाइम हो गया है। चलो मिलते रेलवे स्टेशन से बाहर बाहर जा रहे हैं। ट्रेन ब्लॉग ने बहुत रहती है, फिर गिर गया तो लॉस हो जाएगा, लास्ट बॉडी आती है। नहीं नहीं कहीं नहीं, पहले तो चलते हैं। नहीं कहीं नहीं जाना, नहीं नहीं जाना। ऑटो में बैठे हैं, अभी जा रहे जन्मभूमि मथुरा, भैया लेने के लिए लेके जा रहे हैं। पता नहीं है सब खुश रहते हैं, उन्हें काम में मस्त रहते हैं। चलो मिलते सीधा मंदिर में। अभी मंदिर में गए थे जन्मभूमि, बट वहाँ पे कैमरा एलो नहीं था। अभी जाएंगे वृंदावन इस्कॉन में, पहले इस्कॉन में जाके फिर वहाँ से प्रेम मंदिर में जाएंगे। प्रेम मंदिर में जाके आके बाकी बिहार जाएंगे, अनुमति बताओ जाके देखते। चलो मिलते आगे। अभी यहाँ से निकले हैं, अभी जा रहे हैं वृंदावन। यहाँ पे पूरे मंदिर क्लोज होने वाला है, कहते हैं बाद में फिर खुलते हैं, रोड के लिए लगे रहते हैं। वहाँ पे भी ओपन वगैरह 4 o'clock को क्लोज हो जाता है, फिर बाद में ओपन होते हैं। तो चले वृंदावन में। अभी जा रहे हैं प्रेम मंदिर, एक पता तो नहीं है, पूछते जाते हैं। हम यहाँ भी पहली बार आए, वो प्रसाद खा रहे हैं। चलते हैं आगे, देखते पूछते चले जाएंगे। वो ऑटो वाले ने बोला था आगे जाके लेफ्ट लेना, देखते आगे क्या है।
खुला होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं। अगर वो ना है तो परेशान करे वो। आप भी देखिए वृंदावन उससे आगे जाके भी जाना लेफ्ट राइट में बोला लेफ्ट में प्रेम मंदिर है बोला था राइट में इसको कौन है पहले देखते प्रेम मंदिर जाते हैं धर्मशाला है मंदिर तो बंद है प्रेम मंदिर भी बंद है इसको बंद है 4 o'clock सभी ओपन होंगे तब तक हम दोनों आए थे खाना खाने खाना खा के फिर जाएंगे 4 o'clock अभी खाना खा रहे थे खाने में दिए हैं राइस पनीर मिक्स वेज दाल रोटी 4 रोटी दिए राइस खाते फिर चलेंगे 4 o'clock को ओपन होगा उससे पहले कोई मंदिर ओपन नहीं होगा यहाँ पे भोग लगाते भगवान को इसलिए पता नहीं इतना मुझे भी और मिलते खाना खाने के बाद निधिवन में आए थे जहाँ पे भगवान कृष्ण आज भी रासलीला करने आते हैं अपने गोपियों के साथ में तो आप भी देखिए आगे आप भी देखिए आगे आगे बीच देखिए ठीक है डिफेंस चलते हुए बाकी बिहारी जा रहे पता नहीं किधर है बस जाल चलते जा रहे अभी जाके अभी जाएंगे वृंदावन सॉरी बाकी बिहारी बैठे एक कपड़े पे वहाँ पे दो मिनट बैठ के रेस्ट ले रहे हैं इसको चाय पीना है चाय पी के फिर हम निकलते हैं यहाँ से इधर ये पास में ही है कुछ 500 मीटर से चल के चले जाएंगे वहाँ से जाएंगे हम अपना इस्कॉन में वृंदावन का इस्कॉन जहाँ पे प्रभुपाद स्वामी की हमारे समाधि है वहाँ पे वो समाधि देख के फिर आगे निकलेंगे फिर जाएंगे प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर ला जाके फिर हम निकलेंगे भरतपुर के लिए शाम को और आगे बीच में कुछ और मंदिर मिल गया तो उधर भी जाएंगे चलो रोटी भाके बिहारी तो गए नहीं तो अब भीड़ थी और ओपन भी 4:30 को होगा तो अभी इस्कॉन जाना है सीधा यहाँ से इस्कॉन चले जाते हैं इतनी भीड़ है जाने को नहीं हो रहा 4:30 तेरे को वहाँ पे भी पैसे हेलो भंडा दर्शन करना है तो भी पैसे अरे यार वो हर जगह ऐसे ही है तो अभी सीधा कौन चलते सीधा इस्कॉन के बाद अभी आए थे इस्कॉन टेम्पल यहाँ जाने का रास्ता पता नहीं आगे से किधर से है
थी तक थी चलो अंदर चलते अंदर रखते कौन से बाहर निकले हैं वे जा रहे प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर क्या है गणपति बप्पा कितना बड़ा है शाम हो गई है अभी यहाँ से जाएंगे सीधा प्रेम मंदिर से फिर देखेंगे टाइम मिला तो बाके बिहारी वापस चले जाएंगे हम गए तो उस टाइम पे क्लोज था जस्ट अभी ओपन हुआ है 5 o'clock को और भीड़ भी बहुत है क्या गए नहीं देखिए अभी टाइम मिला तो जाएंगे नहीं तो सीधा हम जाएंगे भरतपुर से कल मॉर्निंग फिर निकलना है जयपुर के लिए तो चलो अब चलते सीधा प्रेम मंदिर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो फोन से शूट कर रहे हैं साइड में प्रोग्राम चल रहा है तो मंदिर के अंदर जाते हैं देखना है भैया पास में दीवार है मंदिर को देखे आप पहले मंदिर से दर्शन कर लीजिए परिक्रमा लगा रहेगा ये पार्क है
हो गई है, अभी चलते हैं घर पे। पीछे मंदिर कितना जबरदस्त लग रहा है। चलो चलते हैं सीधा मंदिर के बाहर। अंदर कैमरा लगाने अलाउ नहीं था। प्रेम मंदिर जाके आ गए, अभी जा रहे फिर से जतपुर, यहाँ से ट्रेन पकड़ दे। रात का माहौल इतना जबरदस्त होता है यहाँ का। बोली 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 वो बस बस जल्दी बस वाह बस आ गई है, बस पकड़ के चलते हैं। बस में चढ़ गए, बैठे हैं ये। बस एक सीट बस है, 10-15 मिनट में चली जाएगी, चलेगी ये भी सीधा रेलवे स्टेशन। रेलवे रेल से रेडी हो गया, चलो रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं सीधा। अभी उतरे हैं बस से, फुल भीड़ थी बस में, अभी स्टेशन पे आए। अभी जाने वाली है 7:20 को आएगी, 7 o'clock हो गया, 20 मिनट्स बची है अभी, जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो छूट जाएगी ये लास्ट ट्रेन है। चलो मिलते हैं सीधा ट्रेन में। अभी आए थे स्टेशन पे, रुके हैं, आएगी अभी 20 मिनट्स और बचा है, मिलेगा चली जाएगी ट्रेन। अभी टाइम है, ये आएगी ट्रेन, वेट करते थोड़ी देर। प्लेटफॉर्म नंबर पे 4 पे आने वाली थी, वहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर अभी चेंज नहीं हुआ है, वहीं पे बता रही है लगभग तो 5 पे आएगी। वेट करते थोड़ी देर, क्या होता है चेंज भी हो सकता है, इधर ही वेट करते हैं। 4 या 5 पास पास में ही है, वेट करते हैं। जय सियाराम। ब्लॉग बनाए हैं बट खाटू श्याम वाला भी बोला था, बना ही नहीं पाया, क्योंकि जब हम मथुरा से निकले थे हमारा टिकट मिस हो गया था रेलवे स्टेशन पे, तो हमने वो ट्रेन छूट गई हमारी फर्स्ट वाली, वहाँ से हमारी आगे वाली एक और ट्रेन थी वो चली गई भरतपुर से, और मदुरई के लिए ट्रेन थी वो, एक लास्ट ट्रेन थी वो निकल गई। उसके बाद हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी, वहाँ से भरतपुर गए। भरतपुर पहुँचे हम लगभग 11 o'clock को। 11 o'clock पहुँच के हम एक ऑटो बुक करके डिपो में गए, बस डिपो जहाँ पे सरकारी बसें चलती हैं वहाँ पे गए, पूछा उनको बस कब आएगी। जयपुर जाने वाली, उसका गांव हाईवे के पास में ही है, मीन्स 10 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ से तो किसी में भी चले जाएंगे, बोला उसके पापा आ जाओ इधर तक, तो आ जाओ हाईवे से। हमने रोडवेज बस पकड़ी, उसको बोला, रिक्वेस्ट किया, उसने रोक दी। रोकने के बाद हम हाईवे पर उतर गए, वहाँ से 10 किलोमीटर मेरा दोस्त का घर है, उसके गांव के बाहर बैठे थे, रात के लगभग बज गए थे 12, तो अभी क्या करें। हाईवे पे उतर गया, उसके घर की साइड में, सॉरी गांव के साइड में टेबल पे। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, फीवर आ गया था, फूड पॉइजन से वॉमिटिंग हो रहा था, तो बैठा थोड़ी देर, तो फिर एक गाड़ी आई, हाथ दिया उसको, भैया अच्छा था किसी ने भगवान की कृपा से रोक दी उसने, रुकने के बाद हमको बिठा दिया उसने। छोड़ने के बाद हम सीधा घर पे गए, घर पे जाते जाते रात को 12:30-1 बज गया था। घर जाने के बाद मेरे दोस्त की मम्मी ने उनके खाना रेडी किया हुआ था, खाने के बाद सो गए। सुबह मुझे आ गया फीवर, रात को लिया था टेबलेट कम हो गया, फिर सुबह जोर आ गया,
फिर अभी मुझे जाना 7:00 फिर रेडी वेडी होके जैसे 10-15 मिनट में रेडी होके मैं निकल गया जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर मेरे दोस्त वेट कर रहे थे वो कि माही आएगा करके, तो हम जाएंगे खाटू श्याम। मैंने अभी बोल दिया था, सब रेडी थे, किसी का मूड ख़राब नहीं करना था, तो मैंने उसको बोला नहीं था मेरे साथ कि तबीयत ख़राब है करके, तो मैं निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा जंक्शन पे, वहाँ से वो लेने आए वहाँ से ऑटो बुक करके हम गए बस स्टॉप पे टिकट लेके सब बैठ गए। बैठने के बाद वो सब बातें कर रहे थे, मैं सो गया था कि तबीयत ख़राब थी, सिर दर्द हो रहा था, बुखार भी था। फिर वहाँ से ऑटो बुक किया, मंदिर के लिए निकले। मंदिर पहुँचने के बाद मैं गए दर्शन किया, फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम सीधा ऑटो पकड़ा फिर बस के वहाँ गए। बस के वहाँ जाने के बाद जयपुर वाली बस पकड़ी, फिर जयपुर पहुँचने के बाद हम खाना वाना खा के सो गए थे उसके घर पे। बाद में उसको बोला तो आज यहीं पर रुक जा, फिर मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे, तो फिर मैं जयपुर से निकला। शाम को बस थी 8:30 को बस थी। बस में बैठा सीधा आया आहोर, सुबह मॉर्निंग में 6:00 यहाँ उतारा, आके घर पे आके बैग साइड में रख के सो गया, क्योंकि फीवर उतरा नहीं था। जब टैबलेट खाओ तो कम, फिर वो 2-3 घंटे में आ जाए, तो मैं सो गया। फिर 2 दिन मेरा तबीयत ख़राब था, तो ब्लॉग बनाया ही नहीं, एडिटिंग किया नहीं, कुछ भी नहीं। आज ये 3रा दिन हो गया है, अभी शाम अभी खाटू श्याम वाला ब्लॉग बनाया नहीं। जब भी हम जाएंगे आप खाटू श्याम का दर्शन ज़रूर कराएंगे। जय सियाराम सीताराम, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं तब।